कोटेदार अब नहीं कर पाएंगे मनमानी, घटतौली का शिकायत होगी खत्म। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना। आज हम पेश है उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बड़ी खबर के साथ। यूपी के बलिया में कोटेदार अब नहीं कर पाएंगे मनमानी, घटतौली का शिकायत होगी खत्म। जिले में 1406 ई पॉश मशीन से लिंक इलेक्ट्रॉनिक तराजू से कार्ड धारकों को मिलेगा राशन। जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने बताया है कि राशन वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु 1406 ई पॉश मशीन लिंक यानी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल सहित प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें स्टैंपिंग एवं असेंबलिंग का कार्य प्रतिगमन है। महामार्च 2024 में ई पॉश मशीन से वितरण के पश्चात पुराने ई पॉश मशीन को संकलित कर उचित दर विक्रेताओं की कार्यशाला आयोजित कर उन्हें नई पॉश मशीन लिंक विथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल को संचालित किए जाने हेतु प्रशिक्षण देकर नई पॉश मशीन को उचित दर विक्रेताओं को दिया जाएगा। अप्रैल 2024 के महीने में नई पॉश मशीन लिंक विद इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल के साथ वितरण होना है। नई पॉश मशीन लिंक विद इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल उपभोक्ताओं के अंगूठा लगाने के तुरंत बाद ही उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न तौल कर दिया जाना अनिवार्य होगा, जिससे उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में पूरा खाद्यान्न प्राप्त होगा एवं घटतौली की शिकायत पर रोक लगेगी। आइए डीएसओ रामजतन यादव के बोल सुनते हैं। नई ईपॉश मशीन और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल ईडब्ल्यूएस से हम बोलते हैं, वो लगेगा। अभी तक जैसे छोटी मोटी शिकायतें आती थी घटतौली की, तो उसी के अकॉर्डिंग ये काम किया जा रहा है। तो हमारे जनपद में 3 तहसीलों में ईडब्ल्यूएस इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल आ गया है, सदर में, बांसटी में और सिकंदरपुर में। बाकी तहसीलों की भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन 1-2 दिन में आ जाएगी। हम लोग इसकी असेंबलिंग करने की जो फिनिक्स कंपनी के इंजीनियर्स हैं वो आ गए हैं, और हमारे वाट माप के अधिकारी उसकी स्टैंपिंग भी कर रहे हैं। स्टैंपिंग करने के बाद जैसे आज दुबहड़ ब्लॉक के सभी विक्रेताओं को, 80 विक्रेताओं को हम लोगों ने मशीन ईडब्ल्यूएस दे दिया है। तो ये थी बलिया से हमारे रिपोर्टर उपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें जी10 न्यूज़। धन्यवाद।